ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया था, और उसमें जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे वो हमने पढ़े थे। फॉर एग्जांपल, उसमें फर्स्ट वन होता है माउथ, द सेकंड इज इसोफेगस, फिर थर्ड वन जो उसमें आया था वो था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमने पढ़ा था लीवर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड और पेनक्रियास को, पेनक्रियास, ये हमने सब कुछ पढ़े थे। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है या इसके बारे में स्टडी करना है तो प्रीवियस लेक्चर हमारे चैनल पर देख लें, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैं कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जब हमारे पास फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी डाइजेशन हमारे पास तीन जगहों में होता है, एक माउथ, दूसरे नंबर पर स्टमक और तीसरे नंबर पर स्मॉल इंटेस्टाइन। मगर कंप्लीटली डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, वहाँ पर डाइजेशन की सब प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जिसे जिन्हें बॉडी एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पोर्शन हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने तीन पोर्शन पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक जो हमारे साथ है ड्यूडिनम, दूसरा पोर्शन जो है वो है जेजुनम, और तीसरा पोर्शन जो है वो है एलियम। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है एलियम, इसमें हमारे पास एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, पिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, और स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जो एलियम है इसमें प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह इनर वॉल ऑफ द व्हाट एलियम। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाई। ठीक है, प्लूरल इसका विलाई है, सिंगुलर इसका विलस है। तो इसमें बेसिकली विलाई प्रेजेंट होते हैं, और इस विलाई में फर्दर इनसाइड माइक्रो विलाई होते हैं, छोटे छोटे विलाई और होते हैं जिसकी एब्जॉर्प्शन या जिसकी सर्फेस एरिया ये इंक्रीज कर देते हैं। और भी विलाई का फंक्शन क्या है, जब हमारे पास डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाए, यानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाए किसमें, कार्बोहाइड्रेट, यानी डाइजेशन हम कहते इसे हैं जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। या अगर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल मॉलिक्यूल यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, और लिपिड कन्वर्ट हो जाए ग्लाइसिरोल प्लस फैटी एसिड, प्लस फैटी एसिड्स। तो ये हमारे साथ सिंपलर मॉलिक्यूल जो बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कंप्लीटली बन जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कहाँ पर जाएंगे, ये सब चीज़ें बॉडी को एनर्जी देंगे, मगर ये पहले जाएंगे कहाँ पर, तो विलाई जो हमारे पास एक
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज कॉल्ड इलियम, वो एब्जर्व करते हैं शुगर, अमाइनो एसिड और ग्लाइसरॉल को। बेसिकली हमारे पास जो विलाई है, अगर ये मैं ले लूँ यहाँ पर, ये एक वेलस है, तो इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होते हैं, कैपिलरीज सराउंड हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जर्व करते हैं विलाई से न्यूट्रिएंट्स या फूड। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी है वो कौन करता है, वो हमारे पास यहाँ पर कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज डिफ्यूजन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए एब्जॉर्ब कर देते हैं फूड को फ्रॉम विलाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो विलाई है वो हेपेटिक फोटल वेन, यानी ये कैपिलरीज जो है ये हेपेटिक पोर्टल वेन, इसको देते हैं, ये कैपिलरीज जो है ये वेन में ओपन होते हैं ना। तो अब क्या होता है कि हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो होता है और कैपिलरीज फूड लेते हैं फ्रॉम विलाई। तो ये कैपिलरीज हेपेटिक पोर्टल वेन में ओपन हो जाते हैं और ये हेपेटिक पोर्टल वेन फिर कहाँ पर जाता है, ये जाता है लीवर की तरफ। ठीक है, ये लीवर पहुंच जाता है। अब अगर हमें एनर्जी की जरूरत हो तो ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और क्या डिफरेंट एक्टिविटीज जो है उनमें, यानी इसका रिस्पायरेशन के अमल से इससे एटीपी प्रोड्यूस होगी और वो हमारे साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होगी। या तो ये लीवर में स्टोर होगी या अगर इसकी ज़रूरत हो तो ये जाएगी कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पर इससे ब्लड फिर सेल की तरफ जाएगी और वहाँ से एनर्जी हासिल होगी। तो इसी तरह से जब फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर माइक्रोविलाई या विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को एब्जर्व करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन को और वो देते हैं कैपिलरीज को, कैपिलरीज पर फिर हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो मौजूद होते हैं, वो उनको देते हैं और हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को लीवर की तरफ ले जाते हैं। अब लीवर से ये फूड ब्लड स्ट्रीम को जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास सेल की तरफ जाएंगे, सेल में इनर जो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पायरेशन असेंबली पे रिस्पायरेशन जो होता है उसके रिजल्ट में एनर्जी देगा और वो एनर्जी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, वो लास्ट पार्ट या जो लास्ट सब टॉपिक हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।